ऑन एन एवरेज 500 ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कपड़े ज़्यादा हैं कम हैं, या कभी कर्टन्स वॉश करने हैं, या बड़े बड़े कपड़े जो हैं टेबल क्लॉथ एंड ऑल दोस थिंग्स वो वॉश करना होता है। सो साल का अगर 500, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल कनपुरिया इन कैनेडा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो भाई आज बात जो होने वाली है वीडियो में वो ये है कि कैनेडा में रहने का खर्चा क्या है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कैनेडा का एक वीडियो बनाया था जिसमें काफ़ी प्यार मिला, मतलब 10,000 से ऊपर व्यूज़ आए थे, इस समय 11,000 से ऊपर व्यूज़ हैं मुझे उस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी को उसको प्यार देने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो, जो आप नहीं बता सकते हो कि आखिर उस पर कितने पैसे जा रहे हैं, वो क्या क्या छोटे छोटे खर्चे हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा खर्चा है और वो है लॉन्ड्री का खर्चा, कि भाई लॉन्ड्री मतलब कपड़े धोने में कितने पैसे लगते हैं। तो भाई लॉन्ड्री का भी एक एडिशनल खर्चा है। अगर आप कनाडा में किसी घर में रहते हैं तो मोस्टली आपको घर में बेसमेंट में या आपके सूट में, अगर आपके जो ओनर है लैंडलॉर्ड है उन्होंने अगर लॉन्ड्री लगा के दी है वहाँ पर मशीन, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं दी है तो वो एक एडिशनल खर्चा है। और मोस्टली जो लोग नए आते हैं कनाडा में वो प्रेफर करते हैं अपार्टमेंट्स या कॉन्डोज में रहने के लिए। और उसमें क्या होता है, अपार्टमेंट में बिल्डिंग में आपके पास लॉन्ड्री मशीन तो होती है नीचे, लेकिन उसमें पैसे लगते हैं कपड़े वॉश और ड्राई करने के लिए। और भाई यहाँ इंडिया वाला सिस्टम तो है नहीं कि कपड़े धो भी लिए वॉशिंग मशीन में तो ड्राई हम बाहर बालकनी में या अपने छज्जे में कर लेंगे, ये पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं है, क्योंकि इतनी ठंड पड़ती है कि कपड़े आसानी से सूखते नहीं हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आपको ड्राई यहीं पर करना पड़ता है। तो वॉश और ड्राई का खर्चा कितना है आज इस पर बात करेंगे हम लोग। और भाई होता क्या है, होता यह है कि जो आपके अपार्टमेंट्स या कॉन्डोज में जो नीचे ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट में जो लॉन्ड्री की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, वो मशीन अगर कमर्शियल नहीं, अगर सेमी कमर्शियल है तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती, कपड़े इतने साफ धुलते नहीं हैं, और थोड़ा सा महंगा भी होता है कभी कभी अपार्टमेंट्स के अंदर। और कुछ कुछ अपार्टमेंट्स या कॉन्डोज में टाइमिंग भी होता है कि भाई सुबह 9 से रात में 9 या 10 बजे तक ही लॉन्ड्री रूम खुला है तभी आप कपड़े धो सकते हैं, उसके बाद धोने तो आपको नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं बाहर जो लॉन्ड्री स्टोर है या कॉइन लॉन्ड्री जिसे कहते हैं यहाँ पर स्टोर्स होते हैं, वहाँ जा करके हम अपने कपड़े वॉश करते हैं। और वहाँ वॉश करने का खर्चा कितना है और कितनी मशीनें होती हैं, कैसी मशीनें होती हैं, ये सब आज बात करेंगे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपने कपड़े धोने के लिए। तो सोचा क्यों ना आपको बता दूँ कि आखिर लॉन्ड्री का कॉस्ट कितना है कनाडा में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे आगे हैं चिंटू, फिर हैं उससे बड़े मिंटू, और फिर लास्ट में आते हैं पिंटू। तो भाई ये तीन साइज़ की मशीनें इनके पास, और ये आप देखें यहाँ पर अगर मशीनों में एक नंबर टैगिंग है, देख सकते हैं आप। सो अगर आप ऐसे ही एंड तक जाएंगे तो आपको देखेगा कि 22 जो लास्ट टैग है 22 है, मतलब इनके पास 22 वॉशर है। और अब बात करते हैं हेयर, ये हैं इनके ड्रायर। तो सबसे नीचे अगर आप देखें जो लास्ट जहाँ मैं खड़ा हूँ 24 है इधर टैग नंबर, सो 24 इनके पास ड्रायर है और काफ़ी बड़ा स्टोर है, मतलब अच्छे खासे एक बार में वॉश और ड्राई हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ी मशीन है उसकी जिसका $6.50 का कॉस्ट है आपको वॉश करने का, एंड सबसे बड़ी मशीन ये, और अच्छे खासे कपड़े धुल जाते हैं इसमें। एंड इसके बाद आती है जो मीडियम साइज़ की मशीन है, 22 कॉइन्स लिखा है, देखिए इसका मतलब है कि इसमें 22-25 सेंट्स के कॉइन्स जाएंगे, एंड ये उससे थोड़ी सी छोटी है। और इसके बाद जो मशीन आती है वो है सबसे छोटी वाली, इसमें 14 कॉइन्स जाते हैं 25 सेंट्स के, और ये सबसे छोटी मशीन है, तो एक दो दिन के कपड़े वॉश हो जाते हैं इसमें। तो भाई बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, बात तो अभी शुरू हुई है कि भाई अभी तो सिर्फ मशीनों की बात हो गई, उसके बाद हमने लगाने कपड़े, अब इन मशीनों में जो कॉइन्स जाते हैं वो कहाँ से आते हैं, भाई इतने सारे कॉइन्स हम कहाँ से लेकर के आएंगे, कौन सा बंदा इतने सारे कॉइन्स अपने पास रखता है, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए बहुत सारे कॉइन लॉन्ड्री जो होते हैं वहाँ पर आपको अवेलेबल होते हैं या तो एटीएम मशीन होगी वहाँ पे, आप एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ कर लेंगे, और एक मशीन तो फॉर श्योर हर कॉइन स्टोर में होती है, कॉइन लॉन्ड्री स्टोर में, वो होती है कॉइन निकालने वाली मशीन। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये मशीन आपको चेंज नहीं करेगी, सिर्फ आपके पैसों को चेंज करेगी, और यहाँ पर देखिए ऐसे मैंने नोट डाला 5 का, तो ये मुझे चेंज करके दे देगी। और जो लेफ्ट साइड में ब्लैक कलर का दिख रहा है यहाँ पर आपके सिर्फ कॉइन्स जाते हैं। अब $5 के चेंज मुझे नीचे आ गए, अब उसमें से कुछ $1 आया है, कुछ सेंट्स आए हैं 25 के, तो $1 लेकर के अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ तो ये मुझे पैसे अल्लाह के नाम पर दे दे। और ये देखिए नीचे आ गए हमें 25-25 सेंट के 4 सिक्के, सो ये ऐसे चेंज कर देती है कॉइन्स को। तो इस तरह से आप अपने पैसे निकाल सकते हैं और उनको मशीन में डालकर वॉश कर सकते हैं। अब बात ये होती है कि भाई
कितना समय लगता है, अच्छा खासा टाइम लग जाता है कपड़ों को वॉश करने में, क्योंकि जो वॉशर है वो करीब करीब ले लेता है आपका 20 से 22 मिनट या 25 डिपेंडिंग ऑन कौन सी मशीन है, और फिर ड्रायर आप लगाते हो। तो भाई यहाँ पर घूम घूम के कपड़ों को ऑलरेडी चक्कर आ चुका है और करीब करीब हमारे 24-25 मिनट्स ऑलरेडी पूरे हो गए हैं, और फिर हम इस ड्रायर में इसे डाल देंगे। तो ये ड्रायर में देखिए तीन ऑप्शन है, हॉट, मीडियम और लो। हमेशा हॉट में करता हूँ मैं। 25 जो लिखा है उसका मतलब 25 सेंट्स एटलीस्ट लेगी, और एक 25 सेंट्स 5 मिनट आपके कपड़ों को ड्राई करता है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं दो ड्रायर लगा रहा हूँ, थोड़े से कपड़े ज़्यादा हैं, और ये सारे कपड़े जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ उस बड़ी वाली मशीन में जिसमें $6.50 लगते हैं उसमें ही वॉश हुए हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली जो मेरे ब्लैंकेट हैं और जो थोड़े टॉवल्स हैं वो मैं दूसरे में डाल रहा हूँ ताकि अच्छे से सूख जाएं, क्योंकि एक में सारे डालने से कोई मतलब नहीं है। कभी कभी यू नो कपड़े सूखते नहीं हैं तो फिर आपको फिर से कॉइन्स डालने पड़ते हैं एंड देन फिर वेट करना पड़ता है, इसलिए एक बार मैं लगा देता हूँ और ताकि सारे कपड़े अच्छे से सूख जाएं। तो जो हल्के कपड़े हैं नॉर्मल हैं वो इधर वाले में, राइट वाले में, और उसमें ये हमारे हो गए ब्लैंकेट्स। और यहाँ पर अब जो आप देखेंगे कि मेरे को ऑलरेडी 5 मिनट हो चुके हैं, 37 मिनट्स से बचे हैं ये वाली मशीन में। सो ये दोनों मशीन का मिला करके मैंने इसको लगाया था 45 मिनट्स, और बगल वाली को मैंने लगाया है अराउंड 25 मिनट्स ताकि सारे कपड़े अच्छे से सूख जाएं। तो भाई कुल मिला के जो खर्चा आ रहा है वो अगर आपका, मैं वीकली एक बार वॉश करता हूँ अपने कपड़े, क्योंकि वो टाइम नहीं मिलता है, वीकेंड पे ही टाइम मिलता है, छुट्टी तभी होती है तभी वॉश करता हूँ। तो वीकेंड पे जब मैं वॉश करता हूँ करीब करीब $10 का खर्चा मेरा हो जाता है। $10 इन अ वीक, महीने के हो गए $40, $40 एक महीने के, $40 लग रहे हैं तो साल के तो भाई हो गए 480, $480। तो ऑन एन एवरेज 500 ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कपड़े ज़्यादा हैं कम हैं, या कभी कर्टन्स वॉश करने हैं, या बड़े बड़े कपड़े जो हैं टेबल क्लॉथ एंड ऑल दोस थिंग्स वो वॉश करना होता है। सो साल का अगर 500 और अगर 50 से भी कैलकुलेट करूँ तो 25,000 इंडियन रुपीस एक साल का, जबकि इस समय रेट ज़्यादा ही चल रहा है तो उससे ज़्यादा ही होंगे। एग्जैक्ट कितने होंगे, 56 का रेट चल रहा है अभी, तो 56 × $500 नीचे मैं आपको अमाउंट दे दूंगा, इतने पैसे 25,000 से ऊपर लगते हैं एक साल के सिर्फ कपड़े वॉश करने के। तो बेस्ट आइडिया यही होता है कि अगर आप घर यहाँ ले रहे हैं तो ट्राई करें कि ऐसा घर हो जहाँ पर आपके घर में ही अवेलेबल हो जो लॉन्ड्री की मशीन्स हैं। नहीं है अगर तो आप लैंडलॉर्ड से बात कर सकते हो कि आप प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि कुछ लैंडलॉर्ड प्रोवाइड कर देते हैं, अदरवाइज़ ये खर्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जो आपको लेकर चलना होगा। तो आपने जैसा कि देखा ये मैं था, वो मेरी मशीनें थी और वहाँ पर लॉन्ड्री हो रही थी। जस्ट जोकिंग। वेल अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक भी करो, और आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते मेरे वीडियोस पे, अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके एटलीस्ट इतना बता दो कि वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ लगता है कि इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताओ, आई वुड अप्रिशिएट इट एंड विल ट्राई माय बेस्ट कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं उसे इंप्रोवाइज करूं। और अगर कोई भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हो या स्पेशल अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं, स्पेसिफिक कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर दें, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करके मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू एंड ट्राई माय बेस्ट कि आप जो मुझे सजेस्ट कर रहे हो मैं उसे भी अपने वीडियोस में लेकर के आऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लॉट्स ऑफ लव, हैव अ गुड डे।